ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टू टू फाइव, टू फाइव फाइव, दिस वन 102 इंटू टू प्लस रिमाइंडर दिस वन, ठीक है, हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर अगेन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन ऑन 102 एंड 51, ठीक है, तो फाइनली हमारा डिवीजन का लगभग 251 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर रिमाइंडर भी जीरो आ रहा था, देयरफॉर 51 इज द एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255, ठीक है, सब लोग लिख लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है ये 4052 एंड 12576, मैंने ऑलरेडी पहले से डिवाइड कर दिया क्योंकि डिवीजन सबको, सभी बच्चों को आता है, तो सारे बच्चे डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इसको ये तो तुम्हें साइड वर्क में करना, लेकिन इसको ऐसे पेपर में रिप्रेजेंट नहीं करना, तुम्हें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो देखो मैं इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से उसकी हेल्प से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 5 7 6 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस, और ये रिमाइंडर है 4, ठीक है, कोई कोई बच्चा रिमाइंडर नहीं लिखता, लेकिन रिमाइंडर लिखना है, वेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, अगेन अप्लाई करेंगे इस पर, ये क्या काम करेगा, ए का और ये बी का, तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे 4052 इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272, यहां पर भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर रिमाइंडर नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम इस पर और इस पर, ये क्या काम करेगा, ए का और ये बी का काम करेगा, तो 420272 इंटू 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर ये है 148, यहां पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ए का और ये बी का काम करेगा, मतलब ये ए का ये बी का, तो ये कितना हो गया 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 124, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेगा, ए का और ये बी का, तो 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इसके से कितना आ रहा है 24, यहां पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आया, ठीक है, रिमाइंडर जीरो आया। अब ये क्या काम करेगा, ए का ये बी का, तो 124 इक्वल टू ये कितना 24 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है इस केस में 4 प्लस 4, ठीक है, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहां पर जगह लेते हैं, इसलिए मैंने यहां पर डिवाइड करके देख लिया है, ठीक है, साइड में, तो ये क्या 4 जो अब डिवाइड करेगा इसको 4 डिवाइड बाय 24, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 24 क्या काम करेगा, ए का और ये बी का, तो 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, मतलब यहां पर क्या करेंगे कंप्लीटली डिविजिबल डिविजिबल हो चुका है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो किससे कंप्लीटली डिवाइड हुआ 4 से, तो देयरफॉर 4 इज द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576, ये हो जाएगा, ठीक है, सबको समझ में आया। तो अगर मान लो यूक्लिड सब कुछ लिख के करते तो ये कितना लेंदी हो जाता, इसीलिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम उस प्रोसीजर से नहीं कर रहे, यही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सब समझ में आया, देखो बाकी मैं 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, और ये मैंने आंसर मेंशन कर रखे हैं, तो सॉल्व करने के बाद अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं, जिसको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चे चाह रहे हैं सॉल्व करना वो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। ये देखो मैं ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, ये यही क्वेश्चन था, ठीक है, ये सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट कोई कोई बच्चा सोचता है कि सब केवल दो नंबरों में बता रहे हैं, 3 नंबरों का भी बताइए, 3 नंबर में भी कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो हम 3 नंबरों का भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि 3 नंबरों में भी कैसे एचसीएफ फाइंड आउट किया जाएगा। तो जैसे हम पहला करते हैं 96 240 एंड 336 वाला, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या काम करेंगे, इसके दो छोटे नंबर है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले तो डिविजन मेथड तो सबको
अप्लाई करना ही पड़ेगा, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास है 96, 240 एंड 336, ठीक है। पहले इन दोनों नंबर को देखो, पहले इसमें अप्लाई करो 96 एंड 240 में, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो 96 240 डिवाइड करके देखो, ये साइड वाले में करना है, लेकिन लिखना है अलग तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 96 कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 2 92 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8, ठीक है। और तुम्हारा आ जाएगा इसमें से इसको माइनस 23 हो गया, 23 में से 48 आ गया। फिर ये क्या आ गया 96, इसको क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम में चला जाएगा, 96 हो गया। तो मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका, तो ये क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम तो 48 होगा, लेकिन एक और नंबर है, ये क्या हो गया, यहाँ पर तो एलसीएम हो गया 48, लेकिन बात यहाँ पे ये है इन दोनों के लिए एलसीएम हुआ है, बाकी ये तीसरा नंबर, फिर इन दोनों में हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब देखो इसको डिवाइड करते हैं 48, इसको डिवाइड करेंगे 48, क्योंकि अब दो नंबर है 336, ठीक है। आई थिंक ये 487 से कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, आप करके देख लीजिए 7, ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ये, तो फाइनली ये हमारा 7 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 336 ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अब लिखना कैसे है, ठीक है। अब ये दोनों नंबरों में तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका क्या है, 240 इक्वल टू 96 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना 48, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 96 इक्वल टू 48 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा, बट यहां पर एक और नंबर ऑलरेडी था, इसीलिए हमने क्या किया इसको इससे कंपेयर कर लिया। तो ये क्या करेंगे, अब अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 48 एंड 336, ठीक है। तो इसको अप्लाई किया तो ये क्या लिख दिया, 336 इक्वल टू 48 इनटू 7 प्लस 0, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया, अब कोई नंबर नहीं है, देयरफॉर 48 इज द 48 से कंप्लीट 48 इज द एलसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336, ये आ गया, ठीक है। तो तीन नंबरों में भी हम कंपेयर सॉल्व किया जा सकता है, 48 आ गया हमारा आंसर, तो 48 से कंप्लीटली हो जा रहा है, ठीक है।